नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है आलू भरी शिमला मिर्च, जिसको हमने माइक्रोवेव में बनाया है। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। 250 ग्राम शिमला मिर्च या मध्यम आकार के 3 शिमला मिर्च ले लीजिए। 250 ग्राम आलू या 4-5 आलू उबले हुए। हींग 1/4 छोटा चम्मच या चुटकी भर। जीरा, साबुत जीरा आधा छोटा चम्मच। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच। तेल 1 बड़ा चम्मच। नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। चीज़ स्लाइस 1, ये आपकी इच्छा है, अगर आप इसको सजाने के लिए हमने यूज़ किया है। इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। शिमला मिर्च को अच्छे से धो लीजिए और लंबाई में इसको 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इसके ऊपर जो डंठल और बीज का हिस्सा है उसको निकाल दीजिए चाकू से। जो उबले आलू हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें बहुत कम तेल हमने इस्तेमाल किया है, बहुत कम तेल में बना हुआ ये बहुत ही स्वादिष्ट शिमला मिर्च का व्यंजन है। अब जब तेल गरम हो जाए तो इसमें जीरा डालिए। जब जीरा थोड़ा तड़क जाए तब इसमें हींग डाल दीजिए। इसके बाद इसमें हम कटे हुए आलू के टुकड़े डाल देंगे। अब आलू में हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिला के करीब 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। ये हमने अंदर शिमला मिर्च में भरने के लिए ये हम आलू तैयार कर रहे हैं, तो हम इसको 3-4 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि फिर जब ये बेक होगा माइक्रोवेव में तब भी ये अंदर से पकता है और इसके मसाले अपने आप में स्वाद अपना इनका बसता है इसके आलू के अंदर। इसके बाद जब 3-4 मिनट भून लेंगे तो हम इसमें गरम मसाला पाउडर और अमचूर पाउडर डाल देंगे और उनको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाले मिला लेने के बाद हमारा भरावन तैयार हो गया है, भरने का सामग्री हमारा मिश्रण तैयार है। अब इसको हम एक प्याले में निकाल लेंगे। जब हमारा भुन जाएगा ये गरम मसाला तो हम इसको एक आलू को प्याले में निकाल के ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम शिमला मिर्च के जो आधे आधे वाले टुकड़े थे उनमें इन आलूओं को भर देंगे। फिर इस शिमला मिर्च को एक माइक्रोवेव सेफ बर्तन में, बाउल में रख के माइक्रोवेव में 3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट के लिए सेट कर देंगे माइक्रोवेव को और इसको 3 मिनट तक हम पकाएंगे। उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और अगर हमारी शिमला मिर्च 2 परतों में रखी है तो ऊपर की परत नीचे और नीचे की परत ऊपर कर लेंगे और फिर से इसे हम 5 मिनट तक माइक्रोवेव करेंगे। 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद ये करीब करीब हमारी शिमला मिर्च पक चुकी होगी। इसको हम चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। अब इसको निकाल लेंगे हम 5 मिनट के बाद और जो हमने चीज़ स्लाइस लिया था उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। ये हमारी इच्छा है, अगर हम चाहें तो ये स्टेप ना करें, हम ना डालें चीज़। और अब गर्मा गर्म शिमला मिर्च परोस दीजिए। इसका आनंद आप रोटी, चपाती, पराठे या किसी भी खाने के समय साइड डिश की तरह कर सकते हैं। हमने ऊपर से सजाने के लिए चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पनीर भी कर सकते हैं और चाहें तो कुछ भी ना करें, ऐसे ही ये स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट शिमला मिर्च की रेसिपी है। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।